डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम अल्फाबेटिक ऑप्टिमेलिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्टिमेलिटीज़ में से जो डी ऑप्टिमेलिटी है वो क्या है और उसकी एफिशिएंसी किस तरह कंप्यूट की जा सकती है। तो मॉड्यूल का टॉपिक है डी ऑप्टिमेलिटी एंड डी एफिशिएंसी। डी एफिशिएंसी को डिफाइन करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। दैट इज़ अ मॉडल y इज इक्वल टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन। ये पॉलिनोमियल मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म में है जिसके ज़रिए हम डी ऑप्टिमेलिटी को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर जो x है दैट इज़ मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई पी एंड बीटा इज़ द वैक्टर ऑफ p रिग्रेशन कॉफिशंट्स ऑफ ऑर्डर p बाई वन एंड वैक्टर ऑफ n एरर्स इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन। सिमिलरली y इज़ द वैक्टर ऑफ n ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्सेज। इसके बाद हम मोमेंट मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। मोमेंट मैट्रिक्स इट्स डिनोटेड बाय एम एंड दैट इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर एक्स इज द मॉडल मैट्रिक्स एंड एन इज द नंबर ऑफ डिज़ाइन पॉइंट्स इन द डिज़ाइन। देन द स्केल्ड डिस्पर्शन मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय एम इनवर्स, दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स। Similarly, determinant of moment matrix can be computed by taking the determinant of x transpose x information matrix and dividing this to the n raised power p, where p is the number of parameters. Under the assumption independent normal model errors and constant variance, तो हमने जो model define किया है उसकी background assumptions है कि normal errors जो हैं that is independent of each other और जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है। तो ये दो अजम्पशंस हैं जो बैकग्राउंड में ली गई हैं। वेयर एज एम मॉडुलस वैल्यू ऑफ एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्फिडेंस रीजन ऑन द रिग्रेशन कॉफिशेंट्स विच रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल कॉफिशेंट्स आर एस्टिमेटेड। तो एम का मॉडुलस जो है वो वॉल्यूम को या क्वान्टिटी को ज़ाहर करता है जो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स की एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। नाउ वी डिफाइन द डी ऑप्टिमेलिटी। डी ऑप्टिमेलिटी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई वॉल्ड इन 1943। प्रपोज्ड डी ऑप्टिमेलिटी क्राइटेरिया विच फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मोमेंट मैट्रिक्स एम। हम जानते हैं कि मोमेंट मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रहा है, दैट इज एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो मोमेंट मैट्रिक्स को मैक्सिमाइज करना ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है इस ऑप्टिमेलिटी का। Over the whole design space R, that is D can be defined as maximum over the design space R maximizing the M of R, that is moment matrix iska determinant jis design ka ki ye quantity maximum hogi, that will be D optimal. A large X transpose X or small X transpose X inverse determinant implies a good estimation of vector of coefficients beta. To X transpose X ya to maximize ho या इन्वर्सली x ट्रांसपोज x का इन्वर्स उसका डिटर्मिनेंट मिनिमाइज हो, तो दोनों सूरतों में हम समझेंगे कि डिज़ाइन जो है वो वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से एस्टीमेट कर रहा है। सिमिलरली डी एफिशिएंसी ऑफ ए डिज़ाइन r स्टार कैन बी डिफाइंड एज डी एफिशिएंसी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m r स्टार डिवाइडेड बाई मैक्सिमाइजिंग द मॉडुलस ऑफ m r। द पावर वन ओवर पी टेक्स अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मॉडल पैरामीटर्स बींग एस्टिमेटेड। तो इसके ऊपर जो पावर वन ओवर पी है इसमें पी इज़ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी डिज़ाइन की अगर आपने एफिशिएंसी कंप्यूट करनी है तो उस डिज़ाइन के मोमेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड किया जाता है जो वो वाला डिज़ाइन जिसके मोमेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैक्सिमम है उसके साथ, और इसको परसेंटेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 100। तो इस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन की डी एफिशिएंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम डिज़ाइन के करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहें और तो डी ऑप्टिमेलिटी क्या होती है और डी ऑप्टिमेलिटी किस तरह इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के ज़रिए कोएफिशिएंट्स को फोकस करते हुए कंप्यूट की जाती है, और उसकी बेस पे हम एक ऐसा डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को बेटर तरीके से एस्टिमेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिज़ाइंस।